नमस्कार, मैं रेखी ज्ञान से यामिनी शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। वेलकम यू टू ऑल इन माय रेखी ज्ञान चैनल। आई एम यामिनी शर्मा और आज जो टॉपिक मैं आपके सामने ला रही हूँ, ये वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी हीलर्स हैं या जिन्होंने रेखी सीख ली है कि क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए रेखी में जब हम रेखी सीख लेते हैं। उसके बाद आज उन सावधानियों पर बात करूँगी और आपको वो गंभीर पॉइंट्स पे भी बताऊंगी जिनका यदि आप फ्यूचर में भी ध्यान रखते हैं या आज भी ध्यान रखते हैं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा आपकी रेखी हीलिंग क्वालिटीज़ में। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि मैम, हमने रेखी यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन सेशन के माध्यम से, फ्री सेशन के माध्यम से सीखी है, तो वो कारगर है कि नहीं और क्या सीखना हमारा सही था। देखिए, यदि आप ऑलरेडी रेखी किसी हीलर से सीख चुके हैं और इस तरह के सेशंस आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है, आपको समझना मिलता है, रेखी की टेक्निक्स मिलती है अलग अलग। लेकिन फ्री जो चीज़ दी जाती है ना, वो एक लिमिट तक दी जाती है। नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, ये आप बिल्कुल मान लें। तो फ्री है तो कोई ना कोई उसके संग माइनस पॉइंट है, या तो वो व्यक्ति उस ऊंचाई पर नहीं है, ऊंचाई पर है तो फ्री सेशन क्यों दे रहा है, क्या वजह है उसके पीछे। ऐसा तो नहीं आज में वो कह रहा आप आइए मुझसे मुलाकात कीजिए, आप हमारे फ्री क्लासेस ज्वाइन कीजिए, इसलिए वो फ्री दे रहा था। कोई कारण अवश्य होता है, या उसकी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है, उसका काम नहीं चला तो फ्री करके वो अट्रैक्ट कर रहा है सामने वाले को। क्योंकि यदि कोई इस लेवल पर है तो ऑब्वियसली फ्री नहीं देगा, या कुछ चार्जेबल, मिनिमम चार्जेबल लेगा आपसे, या बिल्कुल लो चार्जेस लोग ले लेते हैं। जो चीज़ मान लीजिए 1000 की आप परचेज करते हैं, उसके लिए वो 200-300 रुपये भी नहीं ले रहे हैं, तो इसका भी कारण होता है। तो कोई भी कारण इनमें से हो सकता है। अब थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं, ये हो गई बातें जो सीख रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी रेखी सही माध्यम से सही तरीके से सीख रखी है, बिल्कुल हर डाउट आपका क्लियर है, उसके बाद जो आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उसके बाद भी क्या पॉइंट्स हैं। पहली चीज़, अपने क्वेश्चंस को बनाना अपने साथ कभी ना भूलें। आप लोग कभी कम्युनिकेट नहीं करते हैं, क्वेश्चंस नहीं बनाते, आप सोचते हैं हम तो ऐसे हीलिंग कर लेंगे, 2 मिनट में हीलिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी, नहीं। डाउन टू अर्थ रहिए और इसको समझिए। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन अगर आप इस लाइन में आ गए और अच्छे हीलर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनेस्टी, जिसकी आप हीलिंग कर रहे हैं उसके साथ में, जो आप हीलिंग आप कर रहे हैं, एक आपको अपना लेवल पता होगा, हम इस तरीके की हीलिंग कर सकते हैं। तो जब आप हीलिंग लेते हैं किसी व्यक्ति की तो ऑनेस्टी की से निभाइए। ये नहीं कि मैं सिर्फ आधा घंटा हीलिंग करता हूँ या मैं 15 मिनट करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर रिजल्ट नहीं है तो आप उसको अलग अलग माध्यम से रिजल्ट बनाइए। रिजल्ट अलग माध्यम से बनाने के लिए सबसे पहले आपको सिंबल्स के थ्रू हीलिंग हम देते हैं तो उनका भी आपको अभ्यास करना पड़ता है। उन अभ्यास के थ्रू आप एनर्जी दीजिए, केस को समझिए। सेकंड, क्रिस्टल्स, जिनका हम प्रयोग करते हैं, जो क्रिस्टल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उनको प्रॉपर रखिए। ये एडिशनल सोर्स है क्रिस्टल वाली, हर कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता तो कोई ज़रूरत नहीं है, मगर आप करना चाहते हैं। जैसे टम्बल्स हैं तो उनको आपको हाथ में यदि होल्ड करना है तो कैसे होल्ड करना है। फिर आपका जैसे वॉन्ड, अगर आप यूज़ करते हैं हीलिंग के लिए तो प्रॉपर आप वॉन्ड यूज़ कीजिए। अगर आप हाथ से हीलिंग कर रहे हैं तो हाथ से प्रॉपर हीलिंग कीजिए। अगर आप ब्रासलेट पहनना है तो उसको प्रॉपर भी पहनिए। मगर ये सारी एडिशनल सोर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है अगर ये पहनेंगे तो ही पावर आए, क्योंकि ये आपसे चार्ज हो रहे हैं। एक समय के बाद में ये आपकी ऑरा के अनुसार चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इन क्रिस्टल्स का आता है, मैम ये ना शुरू में तो बहुत अच्छा काम रिजल्ट दिया था मगर उसके बाद देना नहीं शुरू किया। ऐसा नहीं होता। जो परमात्मा ने जो वस्तु बनाई है उसको कोई काम से बनाया, वो काम करती है, मगर हमारे कार्मिक, हमारे जो ग्रोथ है उसके कारण उसको नेगेटिविटी वहाँ कंज्यूम करना शुरू कर देती है। तो क्रिस्टल्स हमेशा मैं करती हूँ, परचेज करना बहुत आसान है मगर उसको रखना, उसको सहजना बहुत मुश्किल होता है। तो इस बात का भी आप लोग अपना, जब भी आप क्रिस्टल परचेज करते हैं, ध्यान रखिए। देन क्लीनिंग, ऑरा क्लीनिंग, ऑरा क्लीनिंग, यदि आप किसी से ऐसे कहीं से आप धूप या आप हम लोगों से जो आपका नेगेटिविटी ऑयल बनाते हैं तो उसको डालिए, उससे तो आप क्लीन करते हैं। साथ ही साथ कोई आप म्यूज़िक इस तरीके का कोई फाउंटेन ले लेते हैं, उनसे ऑरा आप क्लीन करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड अ बिग इन्वेस्टमेंट।
जो आप करते हैं, तो इस तरीके की जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भी आपकी क्लीनिंग होती है। आप ये भी कर सकते हैं, या आप कोई परचेज करते हैं कोई ऐसा जैसे विंग चैम्स हो गए, कुछ और हो गया जो साउंड हीलिंग कर रहे हैं, तो उससे भी आपका पर्टिकुलर जो आप स्पेस या जो जगह पे आप कर रहे हैं वहाँ क्लीनिंग होती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। देन सिटिंग, आप किस जगह बैठ रहे हैं, आप उस समय किस समय आप टाइम दे रहे हैं। हमेशा सिर्फ इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहने से कि नहीं मैंने तो पक्का देखा था इससे तो ऐसा होता है, ऐसी हीलिंग होती है, ऐसे इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहने से हीलिंग नहीं होती, या मुझे ऐसा महसूस हो रहा था वैसा हो रहा था, इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास आपका प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। बेस्ट रिजल्ट के लिए सबसे अच्छा है अपने पॉइंट्स बनाइए और जो रेकी के सिंबल्स हैं उन अनुसार दीजिए। अब आप कितनी देर हीलिंग दे रहे हैं, कितनी देर चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, कितने देर में आप क्लाइंट के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी निर्भर करती हैं। सेकेंड, लोग डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू, मैम डिस्टेंस में हीलिंग नहीं हो सकती है, डिस्टेंस में हम सीखना चाहते हैं। देखिए आप सीखते जैसे भी हैं, चाहे आप ऑफिस में मेरे आके सीखते हैं, चाहे आप डिस्टेंस के थ्रू सीखते हैं, सीखने के बाद में आपका अभ्यास और आपका खुद का कर्मा शुरू हो जाता है। मेरा कहना सबसे पहले ये है, जो व्यक्ति अपनी खुद के ग्रोथ नहीं कर सकता, अपने खुद के कर्मा ठीक नहीं कर सकता, वो दूसरों की हीलिंग करना नामुमकिन होता है। बहुत से लोग कहते हैं दूसरों की हीलिंग बहुत परफेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, उसका कारण यही होता है। हम दूसरों को परफेक्ट तब बना सकते हैं जब हम खुद परफेक्ट हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपके अंदर खुद शांति होनी चाहिए, आपके अंदर अभ्यास की पावर होनी चाहिए। आपको अगर इस लाइन में जाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत काम से या सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो डालने से या यहाँ वहाँ पे आप करने से सर्वे करने से नहीं होता। आप अभ्यास क्या कर रहे हैं, मेडिटेशंस क्या कर रहे हैं, किन रूल्स का आप ध्यान रख रहे हैं, इनका है। हीलिंग करते समय कई माध्यम में सिंबल्स बनाने का आप प्रॉपर आप ध्यान रखिए, कब सिंबल्स हमें बनाना है, किस ब्लॉकेज को हमें निकालना है, क्या ब्लॉकेज है। अगर डायबिटीज़ किसी क्लाइंट को हुई तो उसका क्या कारण है, क्यों हुई है, ये सारे पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। ये मेजर पॉइंट्स हैं जिनके कारण हमारी हीलिंग में हमारी कैपेसिटीज़ कम हो जाती है, क्या मेजर कारण होते हैं। देन आप सबसे ज़्यादा क्या, ओवर स्मार्ट, इतने ज़्यादा कभी कभी मैंने लोगों को देखा, दे आर वेरी ओवर स्मार्ट। वो आप मतलब कॉल भी करेंगे तो दे आर वेरी स्मार्ट, वो सोचते बहुत स्मार्ट और हम जान लेंगे और हम सीख जाएंगे। आप कभी नहीं सीख पाएंगे, कभी नहीं। क्लास के अंदर इतने बच्चे होते हैं लेकिन कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वो किसी से कभी सीखते नहीं, आप उनकी तरह बनना चाहते हैं। आप देखिए 50, 60, 70 बच्चों की स्ट्रेंथ होती है 40 बच्चों की क्लास में, क्या सब एक जैसे होते हैं, नहीं। कुछ होते हैं परफेक्ट होते हैं, उनके उनका हैंड राइटिंग, उनका बात करने का तरीका, स्क्रैपिंग पावर्स बहुत परफेक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि वो घर जाते हैं अपना प्रॉपर अपना जो डेटा होता है उसे मेंटेन करके रखते हैं। वो कभी आपसे आके नहीं पूछते, लेकिन आप उनसे पूछते हो तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कैसे करते हो, और वो आपको बताते हैं, बट जो अपने सीक्रेट्स हैं वो कभी नहीं बताएंगे। आप जितना स्मार्टली पूछ सकते हैं उतना पूछ सकते हैं, तो बी स्मार्ट मत बनिए। डाउन टू अर्थ रेकी में हमें रहना पड़ता है, हमें रेकी को समझना पड़ता है, कैसे रेकी देनी है करनी है। अगर इस लाइन में है तो रेकी के माध्यम से, अगर लामा फेरा में आप है तो लामा फेरा के माध्यम से, अलग माध्यम से आप सीखते हैं। बेसिकली क्या है, हीलिंग हम सामने वाले पर्सन को, चाहे वो डिजीज़ के लिए हो चाहे मेंटल लेवल के लिए, उसके लिए हीलिंग दे रहे हैं, और रिजल्ट तो सामने वाले पे जिस दिन से आप हीलिंग देंगे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी बातें आपको रेकी के, जब आप रेकी दे रहे हैं इन सब का ध्यान देनी है, सिटिंग से लेकर जो भी आप हीलिंग सामने वाले को क्रिएट कर रहे हैं वहाँ तक, चाहे आप डिस्टेंस में करते हैं मुझसे पूछते हैं, चाहे आप सामने से करते हैं, चाहे वाटर हीलिंग के थ्रू करते हैं, चाहे आप साउंड थेरेपी के थ्रू करते हैं, चाहे जो भी आप थेरेपी आप आजमाते हैं, बेसिकली हमारा परफेक्शन ये कि हम कितना परफेक्टली वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं। देन जिनसे आपने हीलिंग सीखी है, आप जिनसे सीख चुके हैं, अगर आप उनसे टच में रहते हैं तो अच्छी बात है, अगर टच में नहीं है तो आप जो आपकी कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज टाइम बीन, आप अच्छे अच्छे हीलर से अपना रेकी की पावर्स एक्सचेंज करते रहिए। आपको लगता है कोई अच्छा हीलर आ गया जो आपको परफेक्टली आपको मैच कर रहा है, उसको कीजिए। देन ग्रेटिट्यूड, लास्ट थैंक यू बोलना। बहुत से लोग हैं, देखिए मैं देखती हूँ यूट्यूब भी अलग अलग माध्यम से वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं, कॉपी करते हैं और अपनी अपनी जगह पे भी डालते हैं, या वो सीखते हैं, सीखने के बाद में आप ग्रेटिट्यूड उसके लिए ऑनेस्टी नहीं रखते,
वो आप ज़रूर रखिए, वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनेस्ट हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं, तो ये भी आपकी पावर्स को बढ़ाएगा, बिकॉज आप एक तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली मैसेज दे रहे हैं। सिर्फ आप देखने से काम नहीं चला, आपने सो ग्रेटिट्यूड किया, थैंक यू बोला, या जो भी आपने वहाँ एक्शन लिया, दैट इज़ कॉज योर कर्मा, ये आपकी कर्मा ग्रोथ में इसने काम कर दिया। तो इस बात का भी आपको जब आप हीलिंग करते हैं, इससे जुड़ते हैं, तब भी आपको ध्यान देना है। आज जितना मुझे पता था, जितना मैं जानती हूँ, मैंने इस चैनल के, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिया है, समझाया। मैं कोशिश करूँगी जिन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है, अभ्यास में दिक्कत हो रही है, वो इन बातों का ज़रूर ध्यान देंगे आज से, और काफ़ी चेंजेस लाएंगे अपने अंदर, और जैसे ही चेंजेस आएंगे आपकी हीलिंग क्वालिटी में तुरंत ही चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। मेरे रेखी ज्ञान से जुड़े हैं आप, सबने लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मैं बिल्कुल चाहती हूँ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर मुझे बहुत ताकत देते हैं, वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। मैं देखती हूँ इतने सारे लोग देखते हैं लेकिन कोई लाइक शेयर नहीं करता, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जितना मुझसे जुड़ेंगे, जितना जुड़ के रहेंगे, मेरे लिए बहुत ये ताकत का काम करता है। इसलिए आप सब जुड़े हैं, आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मेरे परिवार की तरह हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।